जी सर, किस तरह की घटना सामने आई है? ये ग्राम 82 है जो थाना दोहार क्षेत्र पड़ता है। यहाँ आपस में ये पटीदार ही हैं, जो एक लल्लू सिंह का परिवार है और एक का परिवार है। इनके बीच में बंटवारे को लेके और छोटी छोटी चीजों को लेकर काफी समय से इनका विवाद है और उसी में आज झगड़ा हुआ है शाम को। और फिर दोबारा इन्हीं लोगों के बीच में दोबारा झगड़ा हुआ, उसमें जो लड़का है जिसकी दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु हुई, उसमें गोली लग गई थी। और रास्ते में जब ये उपचार के लिए यहाँ से रेफर करके बनारस जा रहा था, तो रास्ते में उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। और अभी तहरीर दी जा रही है जो जनहित के द्वारा, और तहरीर के आधार पर कार्रवाई होगी। तब तक जो भी इसमें प्रथम दृष्टया जो संदेही है और जिन पे अभी बात समझ में आ रही है कि इन लोगों का जो भी भूमिका है, उनके लिए दबिशें दी जा रही हैं, टीमें बनाई गई हैं और उसको खुद COCT है, एडिशनल SP मैं हूँ, उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी इसमें रहे होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, इस विवाद में परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 6 महीने से उससे पूर्व भी कई बार विवाद हुआ है, इस मामले में सर कोई FIR थाने से लिखी गई है? FIR की स्थिति नहीं थी, लेकिन चूंकि विवाद आपस में चल रहा था तो इनके बीच में एक बार थाने पर बैठ गए और लोगों द्वारा बातचीत से इसको सुलझा लिया गया था। और आज फिर कुछ समय के बाद ये फिर आके किसी भी लिखी गई है। परिजनों का एक और आरोप है, आखिर सवाल, उनका कहना है कि हमने CM पोर्टल पे भी डाला था कि हमारी जान की खतरा है, इस तरह के कोई मामला सामने भी आया था, दुबाड़ थाने से गुहार भी लगाया था कि मतलब कोई सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा ये मुझे देखना पड़ेगा अभी क्या द्वारा पहले कुछ दिया गया। अभी तक सर कोई गिरफ्तारी? प्रयास पूरा चल रहा है अभी और जैसे तहरीर मिलेगी उसके आधार पर। थैंक यू।